दोस्तों एक दिन नेत्रपाल शराब पीकर पूरी तरह से टल्ली होकर अपने घर आता है और अपने बहू को वो पीछे से जकड़ लेता है और इस तरह से अपने बहू के तन से वो कपड़े खींचता है, साड़ी खींचता है कि उसकी बहू पूरी तरह से नंगी हो जाती है। अब उस हालत में उसके बहू के अंडर गारमेंट्स दिखने लगते हैं। अब जो नेत्रपाल होता है अपने आप को काबू में नहीं कर पाता है, वो पूरी तरह से विचलित हो चुका होता है, मदहोश हो चुका होता है। उसी दौरान नेत्रपाल अपनी बहू पर टूट पड़ता है, उसके साथ गंदे काम करने लगता है। दोस्तों उसके बाद जो उस लड़की का हालत है, जिसे सुनने और जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक ससुर अपने ही बहू के साथ इस तरह की दरिंदगी कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की जो यह कहानी है एक पारिवारिक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, तो आइए इस कहानी को अंत तक सुनते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू वॉइस में स्वागत है। दोस्तों आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। उन्नाव जिले के ही एक छोटे से गांव में रह रहे एक आदमी जिनका नाम होता है नेत्रपाल कनौजिया। नेत्रपाल कनौजिया जो होते हैं एक फौजी रिटायर होते हैं, उनका फौजी में जॉब होता है, उनकी उम्र हो चुकी होती है और वो रिटायर हो चुके होते हैं। नेत्रपाल के परिवार में उनकी बीवी होती है और उनका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम होता है संतोष। संतोष जो होता है बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है। 2010 के अंतिम में ही जो नेत्रपाल की बीवी होती है उनको कैंसर हो जाता है और कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब तीन लोगों का ही परिवार होता है। बीवी की मौत के बाद अब वो लोग दो ही लोग उस घर में रह चुके होते हैं और घर बहुत बड़ा होता है। नेत्रपाल जी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही फौजी होते हैं और रिटायर के बाद भी उनको पेंशन अच्छा खासा मिल रहा होता है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। अब उतने बड़े घर की देखभाल के लिए उनके घर में कोई नहीं होता है और लड़कों से तो घर संभलने वाला है ही नहीं, इसलिए जो नेत्रपाल जी के आजू बाजू के लोग होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो नेत्रपाल जी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, शादी के लायक का हो गया है, मेरी मानो तो तुम्हारे बेटे की शादी करवा दो जिससे बहू आ जाएगी घर में और पूरे घर को वो संभाल लेगी, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से बिखर जाएगा। दोस्तों जो नेत्रपाल होते हैं वो इस बात को समझते हैं और अपने बेटे के लिए वो रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो उनका बेटा होता है संतोष, वो कमाता धमाता नहीं था, वो स्टूडेंट था और पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होती है, हर महीने उनको पेंशन मिल रहा होता है, वो भी अच्छा खासा पैसा, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि वो बेटी की शादी ना करवाए। तो जो नेत्रपाल जी होते हैं वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। एक दो जगह लड़की देखते हैं लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। एक जगह और जाते हैं लड़की देखने के लिए, बगल के ही गांव के होते हैं, उस लड़की का नाम होता है आरती। जब नेत्रपाल जी जाते हैं लड़की के घर, लड़की को देखते हैं तो उनको लड़की पसंद आ जाती है। उनके बेटे संतोष के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। और जो लड़की वाले होते हैं उनको भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता है क्योंकि उनको पता होता है कि लड़का कमाता नहीं है, फिलहाल वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लड़के के बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, घर भी काफी बड़ा होता है। यह सब देखने के बाद लड़की के घर वाले रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने बेटी के लिए उस लड़के को चुन लेते हैं, यानी कि नेत्रपाल के बेटे संतोष को। दोस्तों फिर जो लड़की वाले होते हैं नेत्रपाल के घर जाते हैं और वहीं पर दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है। दोस्तों 10 मार्च साल 2011 को संतोष और आरती की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अब जो आरती है अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद आरती की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी गुजरने लगती है। संतोष को पाकर आरती बेहद खुश रहने लगती है और इधर जो संतोष होता है वो भी बेहद खुश होता है आरती को पाकर, क्योंकि जो आरती होती है वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही होती है, आरती को उस घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो संतोष होता है उसके पास कोई जॉब नहीं होता है, धीरे धीरे उसका जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद संतोष को एहसास होता है कि मुझे भी कुछ काम वाम करना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे वो सब आउट ऑफ कंट्री यानी कि ओमान में काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा वो अपने घर भी भेज रहे होते हैं। अब इससे जो संतोष है उसे भी यह लगने लगता है कि मुझे भी ओमान चले जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ काम करने के लिए। अब एक दिन संतोष जो होता है अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पापा मैं भी बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त सब बाहर
में हैं और वो लोग अच्छा खासा पैसा अपने घर भेज रहे हैं, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी कुछ साल बाहर में रहूँगा, जब अच्छा पैसा कमा कर आ जाऊँगा तो मैं भी यहीं पर सेटल हो जाऊँगा। दोस्तों, यह बात सुन के जो नेत्रपाल होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। अब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे, क्योंकि मेरा जो पेंशन है वो तो मेरे तक ही है, मेरे बाद तो ये पेंशन तुम्हें मिलेगा भी नहीं, उसके बाद तुम क्या करोगे, और जितनी प्रॉपर्टी है रखी हुई वो तुम कब तक खाओगे, एक ना एक दिन ये प्रॉपर्टी तो खत्म होनी ही है, उसके बाद तुम क्या करोगे। दोस्तों, जो नेत्रपाल होता है वो कहता है अपने बेटे से, ठीक है बेटा तुम जाओ, बाहर जाने की तैयारी करो, जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। दोस्तों, जो अब उसका बेटा होता है संतोष, बहुत खुश हो जाता है और अपनी बीवी को जाकर ये बात बताता है। दोस्तों, जो संतोष की बीवी होती है आरती, यह बात सुनकर वो बहुत फूट फूट कर रोती है और कहती है कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आप मुझे छोड़कर इतने दूर चले जाएंगे। दोस्तों, जो संतोष होता है वो कहता है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, एक डेढ़ साल की बात ही तो है, मैं वहाँ रहूँगा, अच्छा खासा पैसा कमा कर आ जाऊँगा, फिर मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं तुमसे हमेशा बात करता ही रहूँगा। दोस्तों, जो संतोष होता है किसी तरह अपनी बीवी को समझा लेता है, उसके बाद संतोष चला जाता है एजेंट के पास। दोस्तों, जो संतोष होता है वो एजेंट से बात कर लेता है, जो एजेंट होता है उसे कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम मुझे जमा कर दो। अब जो संतोष होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर देता है, ठीक उसके एक से डेढ़ महीने के बाद ही संतोष का वीज़ा लग जाता है ओमान के लिए। अब जो संतोष होता है ओमान की तैयारी कर चुका होता है जाने के लिए। दोस्तों, 15 अप्रैल 2012 को संतोष चला जाता है सीधे लखनऊ एयरपोर्ट और वहां से ओमान के लिए उसको फ्लाइट पकड़नी थी। अब वो ओमान पहुंच चुका था और वहां पर जाकर उसे एक ऑयल के कंपनी में काम भी मिल गई थी और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। वहां पर जाकर वो अपने दोस्तों से भी मिल चुका था और दोस्तों के साथ उसका मन लग चुका था, क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं पर काम कर रहे थे। अब दोस्तों के साथ वो बिजी हो चुका था, कभी कभी वो अपनी बीवी को कॉल करता था, दिन में 2 या 3 बार कॉल करके वो बातें कर था और अपने पिता से भी बातें कर लेता था। इस तरह से अब उन लोगों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगी थी, क्योंकि जो संतोष होता है उसकी सैलरी काफी अच्छी खासी थी और घर पे भी वो पैसा अच्छा खासा भेज रहा था, जिससे उसकी बीवी को भी कोई एतराज नहीं था। दोस्तों, अब इधर घर में बच जाते हैं आरती और उसके ससुर। अब जो उसके ससुर होते हैं वो घर पे ही रहा करते थे, क्योंकि उनका तो कोई काम था ही नहीं। जो नेत्रपाल जी थे उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो बहुत शराब पिया करते थे, वो शराब की बोतल लाकर घर में भी पीते और जाकर अड्डे में भी शराब बहुत पिया करते थे। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है, अब आरती को भी अकेले रहने की आदत पड़ चुकी होती है, उसे भी सब्र हो चुका होता है। अब एक दिन दोपहर का वक्त होता है, जो आरती के ससुर होते हैं बरामदे में बैठे वो शराब की बोतल खोल रहे होते हैं और शराब की चुस्की लगा रहे होते हैं। अब जो उधर आरती होती है वो बाथरूम में नहा रही होती है, आरती के ससुर को पता नहीं होता है कि आरती बाथरूम में है। अब आरती के जो ससुर है वो आरती को आवाज़ लगा रहे होते हैं, लेकिन आरती बोलती नहीं है। तब आरती के जो ससुर है आवाज़ लगाते हुए बाथरूम के पास चले जाते हैं और आरती को आवाज़ लगाने लगते हैं। आरती सुन नहीं रही होती है, क्योंकि नल चल रहा होता है, नल से पानी गिर रहा होता है। अब जो बाथरूम का दरवाज़ा है आरती सिर्फ लगाई होती है, उसकी कुंडी नहीं लगाई होती है। अब जो आरती के ससुर हैं वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। दोस्तों, अंदर का जो नज़ारा होता है उसे देखकर आरती के ससुर एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जो आरती होती है बिना कपड़ों के ही नहा रही होती है। अब जब ससुर की नज़र उस पर पड़ती है आरती तुरंत तौलिया निकालती है और अपने तन को ढक लेती है। उसके बाद आरती कहती है कि क्या बात है, आप दरवाज़ा क्यों खोल दिए। तब जाकर आरती के ससुर कहते हैं कि मुझे सलाद चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो आरती होती है तुरंत अपने कमरे में चली जाती है, कपड़े पहनती है। लेकिन जो इधर उसका ससुर होता है उसे देखने के बाद उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यार हमारी बहू तो कितनी सुंदर है, इसका जो फिगर है ये तो कितना अच्छा है, क्योंकि वो नंगे अवस्था में आरती को बाथरूम नहीं देख लेता है। दोस्तों, उसके बाद से जो आरती के ससुर हैं उसकी गंदी नज़र अपने बहू पर पड़ चुकी होती है। अब वो इसी फिराक में होता है कि कब उसे मौका मिले और वो अपनी बहू के साथ वो सब करे जो एक मियाँ बीवी के बीच होता है। दोस्तों, लेकिन जो आरती के ससुर है उसको मौका नहीं मिल रहा होता है।
दोस्तों अब इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है। अब इस कांड को लगभग एक हफ्ते गुजर जाते हैं। अब एक दिन जो आरती का ससुर होता है उसके दिमाग में तो खुराफातिया घुसा हुआ होता है। वो अपने कमरे में होता है और अपनी बहू को रात को आवाज लगाता है। जो उसकी बहू होती है ससुर के कमरे में जाती है, तब उसका जो ससुर है वो कहते हैं कि बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा मालिश कर दो तेल लगाकर। अब जो आरती होती है अपने ससुर के सर में तेल लगाकर वो दबा रही होती है, मालिश कर रही होती है। अब जो आरती का ससुर होता है उसी दौरान आरती को छेड़ने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो आरती होती है अपने ससुर पर घास नहीं डालती है, वहां पर अपना काम करने आती है और करके चली जाती है। उस बार भी जो आरती का ससुर होता है अपने काम में नाकाम हो जाता है, आरती अपने ससुर के चंगुल में नहीं फंसती है। दोस्तों अब इसी तरह दो तीन दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जो आरती का ससुर होता है मार्केट से चिकन खरीद के लाता है और अपनी बहू को देता है, बोलता है कि अच्छे से पकाना, मुझे ये शराब के साथ खाना है। अब जो आरती होती है वो कहती है ठीक है पापा जी मैं बना देती हूँ। अब रात का वक्त हो जाता है, आरती अच्छे से चिकन वगैरह बनाती है, उसके साथ रोटी भी बनाती है। अब अपने ससुर को ले जाती है, खाना निकाल कर देती है। जब उसका ससुर एक निवाला खाता है उसके बाद जितना भी आगे में पड़ा हुआ रहता है चिकन वो सब फेंक देता है और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आरती तुम जल्दी से इधर आ। अब आरती चली आती है पास में, उसके ससुर काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नमक डालने का अंदाजा नहीं है क्या, कितना नमक डाली हो तुम इसमें। उसके बाद आरती को भला बुरा कहने लगते हैं, गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, क्योंकि उसके ससुर खूब नशे में होते हैं, खूब शराब पिए हुए होते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा तुमसे शादी करके तो फंस गया है, तुम उसके काबिल ही नहीं हो, जितना दहेज हमारे हैसियत के मुताबिक देना चाहिए था तुम्हारे घर वालों ने उतना दहेज भी नहीं दिया है, मैं अपने बेटे से कह दूंगा कि तुमको तलाक दे दे क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो। दोस्तों आरती के ससुर काफी गुस्से में होते हैं और जब अपनी बहू को ये सब बात बोलते हैं तो उसकी जो बहू होती है आरती वो काफी डर जाती है और घबरा जाती है। वहां तो ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, वहां जितना भी सामान बिखरा होता है वो साफ करती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब आरती कमरे में चली जाती है आरती का ससुर गुस्से में ही होता है। आरती के कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है, आरती के ससुर गुस्से में ही आरती के कमरे में चला जाता है और पीछे से जाकर आरती को जकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दोस्तों जो आरती के ससुर होते हैं आरती के साड़ी को पकड़ लेते हैं और कस के खींच देते हैं, इतना कस के वो खींचते हैं कि आरती के तन से पूरा साड़ी खुल जाता है और आरती के बॉडी का अंडर गारमेंट्स दिखने लगता है। अब वो सब देखने के बाद जो आरती के ससुर होते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बेकाबू हो जाते हैं और अपनी बहू को वो उठा के पलंग पर पटक देते हैं और फिर अपनी बहू के साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं और खूब मजा लेते हैं। दोस्तों जो आरती होती है खूब चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता है सिवाय उसके ससुर के। अब जो आरती होती है पूरी तरह से मजबूर हो चुकी होती है और जो उसका ससुर है उसके साथ सब कुछ कर चुका होता है। दोस्तों उसके बाद जो आरती के ससुर होते हैं उसका यह रोजाना का काम बन चुका होता है, क्योंकि अब आरती के ससुर उसके साथ हर रोज यह काम किया करते थे और आरती किसी को चाह कर भी कुछ नहीं बता पा रही थी। अब इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है, आरती कई बार सोचती है कि यह बात वो उसके पति को बताए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। वो ये सोचती है कि अगर मैं ये बात अपने पति को बताती हूँ तो वो परेशान हो जाएंगे और यह बात जब घर से बाहर जाएगी तो इस घर की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, साथ ही मेरे पति की भी बदनामी होगी। इस वजह से आरती चुप हो जाती है, लेकिन उसकी चुप्पी का फायदा उसके ससुर उठाते हैं और हर रोज उसके साथ इतना गंदा घिनौना काम करते हैं। दोस्तों अब एक दिन की बात है कि आरती को अचानक से पेट में दर्द उठने लगता है। अब वो दर्द से एकदम परेशान हो जाती है, छटपटा जाती है। अब जो उसके ससुर होते हैं पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, आरती कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, ना जाने क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब आरती के ससुर आरती को लेकर चले जाते हैं मेडिकल, वहाँ पर ले जाकर आरती का इलाज करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें जो रिपोर्ट आता है डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो आपकी बहू है वो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों अब यह बात सुनने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं, ससुर और बहू दोनों परेशान हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि आरती का तो पति घर में है नहीं, वो तो बाहर ओमान में रहते हैं। अब गांव के लोगों को जब यह बात पता चलेगी कि आरती प्रेग्नेंट है तो लोग तो यही सोचेंगे कि ये बच्चा आखिर है किसका, क्योंकि इसका पति तो घर में है ही नहीं। और जब उसके पति को यह बात पता चलेगा तो वो तो पता नहीं क्या करेंगे। दोस्तों अब ससुर के कहने पर आरती उस बच्चे को गिरा देती है, यानी कि ओवसन करवा लेती है। अब उसके बाद उन दोनों की जो
नौटंकी है इसी तरह से चलने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बात छुपाए छुपती नहीं है, चाहे बात कैसे भी हो, अच्छी हो या बुरी हो। अब यह बात जो है पूरे गांव में फैलने लगती है। आरती और उसके ससुर के बीच जो भी रिश्ते होते हैं उस बात की खबर गाँव वालों को पता लग जाती है और धीरे धीरे करके पूरे गाँव में यह बात पता चल जाती है सभी लोगों को। और इतना ही नहीं, यह बात संतोष तक भी पहुँच जाती है। जब संतोष को इस बात का खबर लगता है कि उसी के पिता से उसकी बीवी का नाजायज संबंध है, संतोष एकदम से बेचैन हो जाता है और तुरंत अपनी बीवी को कॉल करता है और कॉल करके पूरी बात पूछता है। दोस्तों जो आरती होती है वो ज्यादा कुछ नहीं बताती है, कहती है कि तुम जब घर आ जाओगे तब मैं बताऊंगी तुम्हें कि बात क्या है। दोस्तों अब जो संतोष होता है बीवी की बात को सुन लेता है और शांत हो जाता है। लगभग 1.5 साल के बाद जो संतोष होता है अपने गांव अपने घर वापस आता है, यानी कि उन्नाव जिले वापस आता है। वापस आने के बाद आरती जो होती है पति को देखकर बहुत खुश होती है, पति को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जो उसका पति होता है फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद रात का जब वक्त होता है आरती का पति संतोष आरती से डिटेल्स में पूछता है कि आरती बताओ क्या बात है, क्या गांव में जो हल्ला हुआ है, गांव वालों को जो बातें पता है क्या वो सच है। दोस्तों जो आरती है वो कहती है कि जी हाँ ये बात सच है, पूरे गाँव को इस बात का पता चल चुका है। पूरी कहानी बताती है आरती कि किस तरह ने उसके पिता ने उसके साथ शोषण किया, उसका बलात्कार किया, उसके साथ गंदे गंदे काम किए, जबकि वो एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, उस बच्चे को भी वो गिराई है। दोस्तों यह सब सुनने के बाद जो संतोष होता है वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और उसी वक्त अपने पिता के कमरे में चले जाता है, अपने पिता को खूब खड़ी खोटी सुनाता है। दोस्तों संतोष कहता है कि मुझे तो आपको अपना पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी बहू के साथ आपने इतना घिनौना काम कैसे किया, जबकि वो आपकी बेटी के समान है, आपकी बेटी के बराबर की है, आपको शर्म नहीं आई अपने बहू के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए। आप घबराइए मत, कल सुबह ही मैं थाने जाऊँगा और आपके खिलाफ केस दर्ज करवाऊँगा। दोस्तों इतना कहकर जो संतोष होता है अपने कमरे में आ जाता है। इसी तरह से सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है संतोष बाहर निकलता है और अपने पिता के कमरे में जाता है, तब वो देखता है कि उसका पिता कमरे में है ही नहीं। अब वो परेशान हो जाता है, इधर उधर देखता है लेकिन उसका पिता कहीं नजर ही नहीं आता है। अब शाम तक इंतजार करता है अपने पिता का, उसका पिता घर आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया होता है। फोन लगा रहा होता है तो नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब जो संतोष होता है पूरी तरह से डर जाता है। शाम का वक्त हो जाता है, उसका पिता घर नहीं आया होता है। अब वो चला जाता है थाने और जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वाले भी अपना काम अच्छे से करते हैं, काफी जगह छानबीन करते हैं, कई दिनों तक पुलिस वाले अपना काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जो संतोष के पिता है यानी कि नेत्रपाल, उनका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद जो संतोष होता है रिलैक्स हो जाता है और अपनी बीवी के साथ अपने आगे की जिंदगी वो गुजारने लगता है। इस बात को लगभग 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक भी नेत्रपाल जी का कहीं अता पता नहीं चल पाया है। और नेत्रपाल जी जिंदा है भी या नहीं इसकी कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि 10 सालों में उनका ना कोई कॉल आया उनके घर में, ना ही उनका कोई अता पता चला है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरी पिछली वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। समद अली अमरावती महाराष्ट्र से, श्याम प्रकाश कुशवाहा सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से, रमेश बोरा असम से, राम कुमार वर्मा अक्षय शर्मा दिल्ली से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जे एस चौधरी द्वारिका दिल्ली से, रूबी खान अख्तर खान बदायूं यूपी से, राशिद अली फतेहपुर यूपी से, अब्दुल मन्नान अंसारी बिलासपुर बिजनौर यूपी से, राकेश सिंह यूपी से, जीत गिल पंजाब से, पवन चौधरी शिवा साहू रायगढ़ से, भूपत भाई सोलंकी भावनगर से, रविंद्र गया बिहार से, वी आर टेलर सूरचंद राजस्थान से, किशोर कुमार मकाऊ से, सोनपाल ठाकुर बुलंदशहर यूपी से, एम टी आलम अररिया बिहार से, जयराज भिलाई छत्तीसगढ़ से।
दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ज़रूर ले सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।